हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके के रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपके जी रहेंगे वन लाइनर। और इस वीडियो में हम आज करेंगे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो होगा इसका वो करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, माय नेम इज शमशेर राजपूत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 21 क्वेश्चन क्या रहने वाला है। 21 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इंडिजीनियस जो डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताना आपने। तो राइट आंसर रहेगा आपका परम। मैं आपको बता दूं, इसको इन्वेंटेड किया था विजय पदुरंग भाटकर ने। इस ये इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आईटी लीडर एंड एजुकेशनिस्ट हैं। परम एक सीरीज है सुपर कंप्यूटर की, जिसको डिज़ाइन एंड असेंबल्ड किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन पुणे, ठीक है, इंडिया में। परम मींस, जहाँ पे परम का मीनिंग होता है सुप्रीम इन द संस्कृत लैंग्वेज। आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, बाउंड्री लाइन डिमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। ऐसी बाउंड्री लाइन जो इंडिया को पाकिस्तान को डिमार्केट, कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पूछा, इंडिया और चाइना के बारे में पूछ लिया जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में। तो जहाँ पे इसका आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अगर आपको किसी और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आता है तो आपको जहाँ से इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना ही करना है, क्योंकि बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। केम इनटू फोर्स ये हुई थी, केम इनटू एग्जिस्टेंस में कब आई थी, 17 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। तो आपको पता है इकोसिस्टम में जो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का वो सन होता है, सो राइट आंसर होगा आपका सन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपको बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, 530 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे का। GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, एक दिस इज़ अ स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर इंग्लैंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल टाइम जोन्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। दिस टाइम जोन कवर्स द मेजोरिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इज सेट एट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड। मतलब हमारा जो GMT जो टाइम रहेगा उससे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो 5 घंटे और 30 मिनट आगे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैगसेसे अवार्ड। तो रमन मैगसेसे अवार्ड जो किस फर्स्ट इंडियन को मिला था, तो ये मिला था विनोबा भावे को इन 1958 को। तो मैं आपको बता दूं, रमन मैगसेसे जो अवार्ड है एक एनुअल अवार्ड है, इस्टेब्लिश किया गया था इसको पर्पेट्यूट टू फार्मर फिलिपियन प्रेजिडेंट जिसका नाम था रमन मैगसेसे, एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस करजे सर्विस टू द पीपल। तो मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट अवार्ड किया गया था, फर्स्ट अवार्डेड हुआ था 1958 को। और इसके बारे में मैं अगर आपको बता दूं, अवार्डेड किसके लिए अवार्ड दिए जाता है, दिया जाता गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एमरजेंट लीडरशिप के लिए। इन फील्ड के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है, दैट इज रमन मैगसेसे अवार्ड। आज का क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, 26 क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, वो होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो आपका आंसर होगा मिस्टर वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और श्री रामनाथ कोविंद हमारे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो आज ये आपका आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होता है आर्टिकल 32 के अंदर, और हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 36। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता था येलो कलर ऑफ काउज मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, जो काउ का मिल्क होता है वो येलो होता ना, वो किसकी प्रेजेंस से होता है, ये होता है कैरोटीन की प्रेजेंस से। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच
साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इस फादर साइंटिस्ट को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर इट्स रोल इन इंट्रोड्यूसिंग, किस लिए इसको बोला जाता है, ताकि इन्होंने क्या किया था, डेवलपिंग हाई जील्डिंग वराइटीज ऑफ वीट इन इंडिया, तो इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर इट्स रोल इन इंट्रोड्यूसिंग, तो किसको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच वायसराय ऑफ इंडिया इफेक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो कौन से वायसराय ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन होगा। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करें तो इन्होंने पास किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल की उसको चेंज कर दिया गया ऑफ इंडिया बाय वायसराय ऑफ इंडिया, और वायसराय जो वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसको डायरेक्टली अपॉइंटेड किया जाता था, मगर अगर हम बात करें फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया की तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है, जापान को। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आंसर होगा आपका कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच वाटर बॉडी आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, ठीक है, कौन सी सॉरी वाटर बॉडी जो है आइलैंड, जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है निकोबार आइलैंड से, कितने इसमें कितने डिग्री से करती है, तो 10 डिग्री चैनल से। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे बॉडी है, प्रोड्यूसेस वाइल, ठीक है, पिच कौन सा जो आर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो वाइल प्रोड्यूस करता है, ये आर्गन आपका लीवर आ गया। ठीक है, वाइल जो है एक फ्लूड है दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, वाइल हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स विच कैन बी टेकन इनटू बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और बाइल एसिड्स को क्या बोल कहा जाता है, बाइल सॉल्ट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। अगर आपको गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो गवर्नर बनने के लिए भी एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए, तो जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने एक टॉपिक दिया था आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि प्रेजिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कौन से मुगल एम्परर को एक टाइटल दिया गया था, आलमगीर का टाइटल दिया गया था, तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ औरंगजेब। तो मुगल अगर हम बात करें, ये मुगल डायनेस्टी के रूलर थे, और मुगल रूल कब स्टार्ट किया गया था, 1526 में स्टार्ट हुआ था मुगल रूल इन इंडिया में, किसके द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा। औरंगजेब किसके बेटे थे, शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, कौन से प्लेस से महात्मा गांधी ने फर्स्ट जो सत्याग्रह था वो स्टार्ट किया था, चंपारण इन बिहार में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सत्याग्रह था मूवमेंट जिसको किया था गांधी जी ने इन इंडिया, एंड कंसीडर्ड अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिवोल्ट रहा है इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट वॉज अ फॉर्मर अपराइजिंग, ये फॉर्मर अपराइजिंग था दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, फार्मर वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो विद रेयरली एनी पेमेंट फॉर इट। ठीक है, तो किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था, ताकि फार्मर किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो, ठीक है, इंडिगो विद रेयरली एनी पेमेंट, मतलब उनको जहाँ तो पेमेंट दी जाती बहुत कम, जहाँ पेमेंट ही नहीं दी जाती उनको फोर्स किया जाता, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया। तो चंपारण कहाँ पर हुआ था, बिहार में, ये आप इंडिगो देख सकते हैं, पिक्चर ऑफ इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी लैंग्वेजेज हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में की अगर बात करें तो उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसमें ऑफिशियली रिकॉग्निशन जो मिली थी वो मिली थी 22 लैंग्वेजेस में, इसमें आप देख सकते हैं 22 लैंग्वेजेस के मैंने नाम दिए हैं एज पर आर्टिकल, अगर आप 3 की बात करें 44 फर्स्ट एंड 351 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 8th शेड्यूल था इंक्लूड इसमें क्या था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दी फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस, इसमें आप असामीज देख सकते हो, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी होगी, कन्नड़ा होगी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उसके बाद मणिपुरी होगी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उसके बाद संथाली होगी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू।
क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विद विच स्पोर्ट इज द डकवर्थ लुईस मेथड एसोसिएटेड। डकवर्थ लुईस मेथड जो किस स्पोर्ट्स में किया जाता है, जी क्रिकेट में किया जाता है। कई बार आप देख सकते हो मैच हो रहा है, मैच होते होते वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, उस बारिश जब बारिश हो जाती है तो फिर वहाँ पे दोनों टीमों के स्कोर को कंपैरिजन की जाती है। सपोज एक टीम अब डकवर्थ लुईस तो होता है जब एक टीम खेल गई होती है, दूसरी खेल रही होती है, अचानक से बारिश आ जाती है, फिर से वहाँ से दोनों टीम के स्कोर को कंपेयर किया जाता है, इस तरीके से उस मैच का रिजल्ट निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा टू होम विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अगर आपको जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, तो किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन लेटर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, उसमें और हम क्वेश्चंस लाएंगे, इस तरीके से हम 1000 क्वेश्चन सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।